स्वागत है आपका स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। दोस्तों, हम सभी के ख्वाब रहते हैं कि हमारे बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक रहे। ये केवल एक परिवार की बात नहीं है बल्कि देश भी ऐसा ही सोचता है। इन दिनों राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है जो 7 सितंबर तक है, इसलिए आज के अंक में हम माँ और शिशु के खान पान और पोषण से संबंधित बहुत सारी बातों को समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार। हालांकि पिछले दशक के दौरान बच्चों के पोषण के लिहाज से काफी प्रगति हुई, लेकिन यदि बात करें ग्रामीण और मजदूर और गर्भवती महिलाओं और शिशु के पोषण की, तो सरकार ने सर्वहारा वर्ग के लोगों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। बावजूद इसके महिलाएं अपने सेहत पर ध्यान नहीं देती हैं, सही पोषण नहीं लेती हैं, इसी वजह से वो एनीमिया सहित कई बीमारियों की शिकार हो जाती हैं। इसलिए अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है जागरूकता की। जी हाँ, जागरूकता की, इसलिए कि 24 महीने तक का समय एक ऐसा समय होता है जब बच्चे का मस्तिष्क हर सेकेंड 10 लाख से ज्यादा नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है जो आगे चलकर बच्चे के सीखने उसके बढ़ने में मददगार होता है। हालांकि ये सभी जुड़ा व एक साथ तभी आते हैं, बता दें आपको, जब एक बच्चे को सही सेहत पर्याप्त पोषण मिलती रहे। आज हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि शिशु में कौन से लक्षण ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर सही पोषण का पैमाना क्या होना चाहिए। यदि आप माँ बनने की तैयारी कर रही हैं, सुरक्षित प्रसव और स्वास्थ्य पोषण के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहती हैं तो आप हमें फोन कीजिए। जी हाँ, आप हमें फोन कर सकती हैं हमारी टोल फ्री नंबर पर। हमारी टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। दोहरा देते हैं, 1800-11-3060, 1800-11-3061। ये हमारे टोल फ्री नंबर है, इस पर आप फोन करेंगे, कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा। तो आइए अब आपको विषय बता देते हैं आज के कार्यक्रम का क्या है। आज के कार्यक्रम का विषय है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर विशेष, सही पोषण तो होगा देश रोशन, मां की जागरूकता शिशु का स्वास्थ्य। जी हाँ, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए बता दें आपको, स्टूडियो में हमारे साथ दो बड़े विशेषज्ञ भी उपस्थित हैं जो पूरे 1 घंटे तक हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं, परिचय करवा देते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हमारे साथ उपस्थित हैं, आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डायरेक्टर हैं। आपसे हम शिशुओं में होने वाली समस्याओं के बारे में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे साथ हैं आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की रिसर्चर डॉक्टर साक्षी शर्मा, जो खास तौर पे माँ और शिशु दोनों के कुपोषण के कारण और लक्षणों पे प्रकाश डालेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साक्षी जी। बिल्कुल, तो आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। ब्रह्मांड में एक नियम है, इसी नियम से हम और आप सभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड और गर्भ दोनों में द्रव्य भी है और ऊर्जा भी है। और जहां इसी नियम के तहत एक वृक्ष करोड़ों बीजों को जन्म दे रहा है, कुछ खिल रहा है तो कुछ मुरझा भी रहा है, वही गर्भ के अंदर इस ब्रह्मांड में भी एक बीज बढ़ रहा है, फेफड़े हवा पी रहे हैं, पेट के अंदर के इस ब्रह्मांड में खून दौड़ रहा है और धीरे धीरे आकार लेता हुआ शिशु का शरीर जन्म लेने के लिए व्याकुल हो रहा है ना कमाल की बात। जी हाँ, यही तो है निरंतर चलने वाला सृष्टि का विकास। सृष्टि यानी माँ। जी हाँ, माँ
इस एक शब्द को सुनने के लिए नारी अपने सारे अस्तित्व को दांव पर लगा देती है। नारी अपने कोरे कुंवारे रूप में जितनी सलोनी दिखती है उतनी सुहानी वो विवाहिता होकर भी लगती है, लेकिन उसका नारीत्व तो तभी संपूर्णता को प्राप्त होता है जब अपार कष्ट के बावजूद वो माँ बन जाती है और फिर एक गुदगुदाता जीवन उसके कलेजे से आ लगता है। तब हर्ष से चमकते इनके चेहरे, लाज और लावण्य से दीप्तिपाते इनके भाव को किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती, बस आवश्यकता होती है कुछ सावधानियों की, क्योंकि ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने कोख दी है और माँ बनाई है। जी हाँ, किसी महिला को माँ के दर्जे तक पहुंचाने वाले 9 महीने काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं 9 महीनों के दौरान जहाँ माता की पेट में शिशु को कोमल नाल के जरिए माँ की ही श्वास से श्वास मिलती है, इसलिए जरूरी है जानकारी और जागरूकता की, क्योंकि गर्भधारण के दौरान इन्फेक्शन, असुरक्षित गर्भपात या फिर ब्लड प्रेशर जैसी वजहों से हर साल जन्म देते समय तकरीबन 1000 महिला या नवजात शिशु या दोनों की ही मौत भी हो जाती है। महिलाएं किसी भी समाज की मजबूत स्तंभ होती हैं, तो बच्चे होते हैं देश के भावी भविष्य। ये भविष्य है सेहत के 7 रंगों का, जो जोड़ता है हर नौनिहालों को स्वस्थ जीवन से। आप भी जुड़िए इन स्वस्थ संकल्पों से, क्योंकि आप माँ हैं। क्योंकि माँ है तो बच्चों का किनारा है, माँ है तो पीढ़ियों का जीवन भी निराला है, सबसे ऊंचा और अनमोल। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो ये थी जन जागरूकता से भरपूर एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट, और बता दें आपको ऐसा ही ज्ञान कार्यक्रम के दौरान भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए बातचीत के सिलसिले को यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का मैं सबसे पहले यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। जैसे मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया था, हमारा जो देश है वो पोषण सप्ताह मना रहा है, न्यूट्रिशन वीक को मनाया जा रहा है। ऐसे में पोषण, कुपोषण और अल्प पोषण के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, इनका महत्व समझाइए आप। जी नमस्कार, मैं सारे दर्शकों का स्वागत करता हूँ। और ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए कि कुपोषण हम किसे कहते हैं। जी, तो देखिए आम भाषा में अगर हम बात करें तो जो पोषक तत्व एक मात्रा में और गुणवत्ता में हमारे भोजन में होने चाहिए, अगर उतने हमें नहीं मिलते हैं हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी शरीर की संरचना और हमारी जितनी एक्टिविटी होती है, कार्यशाली शीला होती है हमारी, उसके हिसाब से नहीं मिलते हैं तो उसको एक अल्प पोषण के रूप में जाना जाता है। इसी का एक दूसरा रूप भी होता है जिसको हम अति पोषण कहते हैं। तो उसमें हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम ज़्यादा भोजन का इस्तेमाल करते हैं और हमारी दिनचर्या में हमारी शारीरिक एक्टिविटी कम होती है तो वो एक अति पोषण के रूप में रूप धारण कर लेती है, और इन दोनों को ही कुपोषण की वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर वीरेंद्र ने हमें काफ़ी अच्छे से बताया कि कुपोषण है क्या और अति पोषण भी नहीं होना चाहिए। अब हम रुख करेंगे डॉक्टर साक्षी का। डॉक्टर साक्षी, अगर हम कुपोषण की बात करें तो कुपोषण क्या है, पहला सवाल तो आपसे ये है। इसके अलावा अगर हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अपने देश के संबंध में बात करें, कितनी बड़ी चुनौती है आज हमारे लिए कुपोषण? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है जो प्रारंभ में किया जा सकता है। जो कुपोषण है वो हमारे देश के लिए नहीं, विश्व के बहुत सारे देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जब मानवता बहुत भौतिकता के युग में बहुत उन्नति कर रही हो, उस वक्त किसी भी देश में कुपोषण से किसी की मृत्यु होना या कुपोषण से बहुत सारी जनता का सफ़र करना एक बहुत बड़ा धब्बा है किसी भी देश पर। इसीलिए हमारी सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि ये चीज़ें हमारे देश से जल्द समाप्त हो जाएँ। और जब हम
कुपोषण की बात करते हैं, जैसा सर ने भी कहा कि अगर पोषण संयमित मात्रा में, संतुलित मात्रा में नहीं मिलता तो शरीर का विकास जैसे होना चाहिए वैसा नहीं होता है और उसको ही कुपोषण की श्रेणी में लाया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि 44% तक जो बच्चे हैं, 100 में से जो 44 बच्चे हैं वो मॉल न्यूट्रिशन से सफर करते हैं भारतवर्ष में। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं वो 72% 100 में से 72 लेडीज ऐसी हैं जिनको एनीमिया होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या पोस्ट डिलीवरी। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है जिनका हम सामना करते आ रहे हैं, सामना कर ही रहे हैं। लेकिन आपसे इस संदर्भ में और जानकारी लेंगे। कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम जान लेते हैं, फिर आपसे चर्चा को हम जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश से बता दें आपको, विपिन जी फोन लाइन पर हैं। हेलो जी मैम, नमस्ते जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरा सवाल है, उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आपकी जो रिपोर्ट आपने दिखाई थी वो बहुत अच्छी लगी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी मैम। और मैम मेरा सवाल ये था कि जब माता के यहाँ बच्चा होता है, प्रसव होता है, तो फैमिली में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो एक चीज बोलते हैं कि माता जी को बहुत परहेज कराते हैं, मतलब लगभग 6 महीना 1 साल तक, और ना ही ज्यादा ठंडा खाने को देते हैं ना ही कुछ गर्म खाने को देते हैं। तो ये परहेज जो रहता है ये करना चाहिए, क्योंकि परहेज अगर करते हैं तो बहुत सारी जो शरीर में कैल्शियम वगैरह है तो वो भी नहीं मिलता है, ऐसी बहुत सारी चीजों को खाने के लिए मना करते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर किया है कि परहेज भी करना है और बहुत सारे न्यूट्रिशन भी हमें नहीं मिल पाते हैं। डॉक्टर साक्षी क्या कहना चाहेंगे आप हमारे? बहुत अच्छा सवाल है इनका, मगर वो थोड़ा सा भ्रांति भी है उस सवाल में। हमारी जो संस्कृति के हिसाब से पुराने रीति रिवाज बने हुए हैं उनमें ये कहा जाता है कि कुछ चीजें नहीं खानी और कुछ खानी है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो एक स्थान रिक्त होता है यूट्रस में। अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो वात दोष की वृद्धि होती है, और अगर हम वैसे भी देखें तो उसमें ब्लीडिंग हो रहा होता है बहुत समय तक, और यूट्रस को अपने पुराने स्थान पर लाना बहुत जरूरी होता है। माता उस वक्त वीक होती है क्योंकि उसने प्रसव इतने बच्चे को पैदा किया है, ब्लीडिंग हो रहा है, और 9 महीने तक उसका पोषण भी अपने शरीर से किया है। तो इसके बाद जो दो बातें हैं जो इन्होंने विशेष रूप से कही कि गर्म भी खाने नहीं देते और ठंडा भी, तो गर्म इसमें अलाउड है, और सब पुराने लोग अगर आप इसको और अच्छे से पूछें तो गर्म अलाउड होता है, ठंडा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्योंकि आपने बहुत सारे डॉक्टर भी यहाँ पर हैं, मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे रोग देखे गए हैं जैसे गठिया बाय, आरए फैक्टर जो है, रिमेटिक आर्थराइटिस है, मोस्टली बहुत सारी लेडीज को आफ्टर डिलीवरी होता है। इसीलिए पुराने जमाने से ये रीति रिवाज ज्यादा ठंड में मत रहिए, ठंडे पानी से मत नहाइए, बिकॉज वो ऑटो इम्यून डिजीज है, वो ट्रिगर होती है। और बासी भी उस समय हम कह सकते हैं कि महिला का जो शरीर है बहुत कमजोर होता है, और उसी समय हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां घर कर सकती हैं। ऐसे में इस समय थोड़ी बहुत सावधानी आप बरत लीजिए, देखिएगा आगे चलकर ही आपके लिए ही फायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल, यहां पर हम एक नई माँ और एक शिशु के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम डॉक्टर वीरेंद्र का यहां पर रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि जब एक बच्चे में कोई बीमारी होती है, कुछ भी समस्या आती है, अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, तो कौन से लक्षण हैं अक्सर जिन्हें हम आम सा मान करके बिल्कुल ऐसे इग्नोर सा कर देते हैं, जिन्हें हमें गंभीर रूप से लेना चाहिए? देखिए, बच्चे की अवस्था के हिसाब से उसके लक्षण भी आते हैं जी। तो अगर हम शुरुआत से बात करें, एक नवजात शिशु की यहाँ पर बात करें, जी हाँ, एक नवजात शिशु की अगर बात करें, तो अगर किसी भी नवजात शिशु को जो जन्म के टाइम पे उसकी एक्टिविटी ठीक थी, उसका रोना ठीक था, उसके हाथ पैर चलाना ठीक था और दूध भी ठीक से पी रहा था, अब इसी नवजात शिशु में अगर आप देखते हैं कि अगर ये नवजात शिशु सुस्त हो जाता है जी, या दूध पीने में कमी आ जाती है, या दूध पीना छोड़ देता है, या बच्चे को कभी कभी पीलिया हो जाता है, नवजात शिशु में पीलिया होना एक आम बात है, लेकिन अगर वो जरूरत से ज्यादा हो तो वो एक गंभीर समस्या बन जाती है, तो ऐसी अवस्था में आपको तुरंत किसी चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है, हम ये देखते हैं कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो अक्सर दिन में क्या होता है कि सोता रहता है, और रात को बच्चा थोड़ा सा क्रियाएं हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। हेलो,
हाँ जी नंद स्वरूप मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो गर्भवती महिला है या आसन पान करा लिया ले महिला है, छोटा हमारा शिशु है, तो उसको खान पान के अभाव में अगर वो कमजोर होता है तो उसको कौन कौन से बीमारी के संकेत हो सकते हैं जिससे हमें सचेत रहना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साक्षी, आप क्या बताना चाहेंगे? अगर वो स्तनपान ठीक से नहीं कर पा रहा है तो बहुत, और उसकी इस वक्त मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आयु कितनी है, कितने माह का बच्चा है? आयु बताएंगे नंद स्वरूप मिश्रा जी, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो इसमें एक विशेष बात यह कि 6 माह तक तो माँ का ही दुग्ध बच्चे को सर्वोपरि है और वही पीना चाहिए, और किसी भी कारणवश अगर माँ का दूध नहीं उतर रहा है तो गाय का दूध या बकरी का दूध, जो हल्के दूध है, उनका सेवन कर सकते हैं। और बहुत लोग उसमें बहुत पानी मिला देते हैं तो उतना बहुत जरूरी नहीं होता है, तो बच्चे को दूध पिला सकते हैं। और 6 माह से अगर ऊपर का है तो दुग्ध के साथ साथ हम और चीजें जैसे थोड़ा सा खिचड़ी बहुत ज्यादा मैश करके, कोई छोटे छोटे केला है थोड़ा मैश करके, थोड़ा थोड़ा उसको खाने में दे सकते हैं, जिसको पूरा जैसे सूजी की खीर बना दी है, इस तरह की चीजें उस बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अगर वो स्तनपान नहीं कर पा रहा है। और माँ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो स्तनपान करवा रही है उनको, उनकी सेहत बेहतर रहे, उनमें कमजोरी ना आए, इसके लिए उन्हें किस तरह का खान पान रखना चाहिए? हाँ, यहाँ मैं एक विशेष बात आपको कहना चाहूंगी कि अक्सर माएं प्रेगनेंसी में तो आयरन कैल्शियम सब लेते हैं, जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उनको लगता है काम ओवर हो गया और अब किसी दवाई की या किसी एडिशनल सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। पर यहाँ ये बहुत विशेष है, जब तक आपका बच्चा आपका दूध पी रहा है तब भी आपको उतने ही सप्लीमेंट्स, उतना ही हाईली न्यूट्रिशनल डाइट चाहिए, क्योंकि पोषण तो शेयर हो ही रहा है, आपके शरीर से ही पोषण बच्चे में शेयर हो रहा है। और जो क्वालिटी आप बच्चे को देना चाहते हैं वो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जैसे रॉ सब्जियां हैं, कच्ची गोभी है, कच्ची बीन्स है, इस तरह की कच्ची सलाद है, इस तरह की चीजों का सेवन ना करें, क्योंकि अगर बच्चा बहुत छोटा है तो माँ के सेवन करने से बच्चे को कष्ट होता है। पुराने जमाने में पुराने हमारे बुजुर्ग बताते थे और ये बहुत बड़ी सच्चाई भी है, क्योंकि आपकी डाइट जैसी होगी वैसा प्रभाव न्यूली बॉर्न बच्चे को होगा। तो जैसे कि हमारे कल्चर में भी शुरू से बताया गया इन बातों को, और साइंटिफिकली भी आप कह रही है प्रूवन है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब बच्चा शुरुआती दौर पे अगर हम बात करें कि अगर माँ के स्तनपान की वजह से बच्चे काफी बीमारियों से सुरक्षित हो जाते हैं, जी, जी, जी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वो कुछ रोगों के प्रति ससेप्टेबल या कुछ रोग होने की आशंका हो जाती है, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर? ये सवाल ऐसा है कि जो हमने हायर इम्यूनिटी अपने माँ से ली है कोलोस्ट्रम के जरिए, जो स्तनपान जो शुरू में पहला दूध होता है बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स और एंटीऑक्सीडेंट से इंक्लूडेड होता है, तो उसको लेने से बच्चे को ऑटोमेटिकली एक प्रकृति की देन है, जैसा सर ने प्रोमो में भी बताया कि माँ भगवान का एक रूप है, तो वो एक रूप में पहले ही बच्चे को बहुत सारी इम्यूनिटी के रूप में वो स्तनपान कर दिया गया है। मगर उसकी एक रेंज है, वो हमेशा के लिए प्रोटेक्शन नहीं है, वो आपकी इम्यूनिटी को काम करेगी, मगर उसके बाद रोल डाइट का आ जाता है। तो आप उसके बाद जब बच्चा दूध पी रहा है, ऊपर का कुछ खा रहा है, तो उसमें भी न्यूट्रिशन का होना लगातार, ये सस्टेनेबल एक चीज है जिसको लगातार जारी रखना बहुत जरूरी है। लगातार प्रक्रिया, बिल्कुल लगातार एक प्रक्रिया है जिसमें बाद में भी है, और बहुत सुरक्षित वो बच्चे रहते हैं जो ऊपर का खाने के साथ साथ माँ का दूध पी रहे होते हैं, तो बहुत सारा सुरक्षा उनको फिर भी मिलती रहती है। पर इनस्पाइट ऑफ दैट भी उनको बाहर के जो अन्नपान है उस पर भी, उसमें भी न्यूट्रिशन का जो अनुपात है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल बहुत जरूरी है यहाँ पर आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक हमारे पास मेल भी आ गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आगरा से मोहित जी ने जानना चाहा है कि दिन भर ऊर्जा बनाए रखने के लिए संतुलित आहार के अलावा किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना उचित रहेगा। बिल्कुल, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे वीरेंद्र जी आप? देखिए, हम जो भोजन लेते हैं उस भोजन में अगर हम थोड़ा साइंस की तरफ जाएं और उसमें देखें कि क्या क्या होता है, तो उसमें एक एनर्जी देने वाले सब्सटेंस को हम जिसको कैलोरीज में नापते हैं, और कुछ हमारे शरीर के लिए जो रिपेयर और मेंटेनेंस हमारी जो बॉडी में चलती रहती है उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और इनके साथ में एक और चीज़ होती है जो बहुत कम मात्रा में हमें लेनी होती है, जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं।
तो इन तीनों का समावेश हमारी भोजन में होना चाहिए, एक संतुलित आहार होना चाहिए कि बैलेंस हो, उसमें अच्छे विटामिन्स भी हो, हमें हमारा कैल्शियम भी मिले, आयरन भी मिले। इस तरह का आहार अगर हम अपनी थाली में सजाकर उसका सेवन करेंगे तो निश्चित तौर पर देखिएगा आपका स्वास्थ्य जो है बिल्कुल बेहतर बना रहेगा। बता दें इस वक्त जम्मू से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए अश्विनी जी, उनका सवाल क्या है आइए जान लेते हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या है आपका सवाल अश्विनी जी? जी नमस्कार मैम, नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल मैम ये था कि जो 10-12 साल का बच्चा है उसको डिवॉर्मिंग जो किया जी यानी 10-12 साल का जो बच्चा है उसको डिवॉर्मिंग करानी चाहिए, मतलब उसको जो पेट में कीड़े होते हैं उसकी दवाई देनी चाहिए या उसका क्या शेड्यूल होना चाहिए? बिल्कुल डॉक्टर साक्षी क्या कहना चाहेंगी पेट के कीड़ों की दवाई के बारे में? बिल्कुल ये वैसे तो सर इसके विशेषज्ञ हैं, पर मैं ये कहना चाहूंगी डिवॉर्मिंग जो है वो हमेशा की एडल्ट तक की प्रक्रिया है, वो सभी को करवानी चाहिए और उसका एक 6 माह का अंतराल होता है। 6 माह में हमें डिवॉर्मिंग, क्योंकि हम अनवांटेड ऐसी चीजें अपने साथ कभी कहीं टच करके, कहीं भोजन में, कहीं पानी में अक्सर ऐसा ले लेते हैं, तो ये एक प्रिकॉशनरी प्रक्रिया है जो करनी चाहिए। और डिवॉर्मिंग का एक रूल और भी होता है कि घर में जितने भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक बच्चा सस्पेक्ट है कि इसको कीड़े हो सकते हैं तो उसको दें, क्योंकि एक साइकिल है जो बहुत तरह से मेंटेन होता है। बच्चों को ही जी, हमें जी, भी लेनी चाहिए, हमें भी हर 6 माह के अंतराल पर डिवॉर्मिंग की यानी कि कीड़ों की दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि कीड़े हमारे पेट में भी हो सकते हैं। लोग जानते नहीं है इसके बारे में, लेकिन हम आपको जागरूक कर रहे हैं तो आप भी इस दिशा में बढ़ सकते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र आपसे भी इस पर राय लेना चाहेंगे। जी इसके बारे में हमारी भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसको हम कहते हैं अनीमिया मुक्त भारत। जी तो एनीमिया जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी, न्यूट्रिशन से और पोषण से जुड़ी हुई एक बात है, तो उसमें हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और उसका एक बहुत बड़ा जो कारण है बच्चों में वो वर्म्स होते हैं, और जिनको हम आम भाषा में पेट में कीड़े हो जाना कहते हैं, वो वर्म्स की वजह से हमारे शरीर में धीरे धीरे खून की मात्रा कम होने लगती है। तो ये हमारे भारत सरकार ने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम चलाया जिसमें बच्चों को स्कूल में हर 6 महीने में एक गोली दी जा रही है। और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मन की बात में जिक्र किया था फाइन और रिफाइन का। जी हाँ, यहाँ पर मिलेट्स के सेवन पर जोर देने की बात कही गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप हमारे सभी अभिभावकों को? जी देखिए, ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जैसा कि अभी बताया गया था, मैं उस बात को फिर पुनः दोहराना चाहूँगा कि 6 महीने तक बच्चे को, एक स्वस्थ बच्चे को सिर्फ माँ के दूध की आवश्यकता होती है। जी। अगर बच्चे का जन्म के समय वजन नॉर्मल था, नॉर्मल वजन को हम मानते हैं कि 2.5 किलो या उससे ज़्यादा अगर वजन है जन्म के समय पर तो नॉर्मल माना जाता है, तो ऐसे बच्चे को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। जो बच्चे का वजन कम होता है जन्म के समय, उनके साथ हमें कुछ कैल्शियम, विटामिन्स और मिनरल की सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। अदरवाइज माँ का दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार माना जाता है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ उसमें प्रतिरोधक क्षमता भी इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे कई तरह के रोग जो है और किसी बचा किया जा सकता है। जी हाँ, आवश्यकता नहीं होती, ज़रूरत ही नहीं यहाँ पर होती है। बिल्कुल, और 6 महीने के बाद हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का जो पोषण है उसमें माँ का दूध तो चलता होना ही रहेगा, चाहिए। होना साथ में ही हम एडिशनल न्यूट्रिशन दे सकते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले डॉक्टर साक्षी ने भी यहाँ पर जिक्र किया था। बिल्कुल जी हाँ, तो उसमें ठोस आहार की जरूरत होती है। ठोस आहार में हम यहाँ पर मोटे अनाज को भी शामिल कर सकते हैं। इसकी उपयोगिता क्या है, किस तरह से ये सेहत के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं, खासतौर पर बढ़ते बच्चों की बात करें या हमारी स्तनपान करवाती हुई माओ की बात करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मजा आइए, देखते रहे हमारा लाइफ ऑन कार्यक्रम स्वस्थ किसान, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर, कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब का करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो
और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो डर ना फिकर की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लान, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, भालेंद्र जी हैं मध्य प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में स्वस्थ किसान में, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार भालेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। भालेंद्र जी, हाँ भालेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। सर मैं सपना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी सर एक 10 साल की बेटी है जी, उसको पता नहीं सर ये उसको समस्या है या क्या है, मैं आपके माध्यम से जान रहता हूँ। बिल्कुल आप सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। लक्षण बताइए। सर वो आँखें सांस समय ज्यादा वो मिचकाती है, जैसे कि एकदम से ज्यादा उसे बंद ना को कई करती है, तो ये सर शारीरिक कमजोरी है या फिर कुछ ऐसा। डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं कि इनकी बच्ची है जो शाम के वक्त आंखें मचकाती है, ये सवाल है। यानी कि जोर से बंद करना है, जैसे चपकाती बच्चे बंद करते हैं, खोलती बंद करती है बार बार, वो इस विषय में आपसे जानना चाह रहे हैं। आप लाइन पे बने रहिए डॉक्टर साहब, आपसे हो सकता है कोई दूसरा सवाल भी पूछे। बालेंद्र जी कभी आपने बच्चे के वजन को नापा है? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं आपने कभी। तो सर और तो स्वस्थ है, सही है, मोटी भी है, लेकिन क्या है सर वो कभी एक साल पहले भी ऐसा करती थी, कभी कभार दी थी, लेकिन इस साल जो है तो अभी इस समय फिर से उसको ऐसा कुछ है। कभी बेहोश तो नहीं हो जाती है? नहीं सर ऐसा तो कभी कोई समस्या नहीं आई, और तो सब स्वस्थ है। अंधेरे में दिखाई ठीक देता है उनको? हाँ दिखता ठीक है, पढ़ने लिखने में भी ठीक है, और कोई समस्या नहीं है ऐसी कुछ नहीं। जब रात हो जाती है रात में देख पाते हैं? हाँ और सब और देखिए कोई अन्य समस्या तो यहाँ पर वो सब आंख से संबंधित ही वो ज्यादा उस पे जोर दे रहे हैं जी। देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बच्चे का वजन भी ठीक है और उसकी लंबाई भी ठीक है और रात में कोई देखने की समस्या भी नहीं है, तो कोई गंभीर समस्या महसूस नहीं होती है। कभी कभार बच्चों को क्या होता है कि आंखों की रोशनी जिसको हम दृष्टि कहते हैं, नज़र जिसको एक आम भाषा में कहते हैं, जिसमें कभी कभी हमें अपनी आई साइट को चेक कराना पड़ता है, वो आप एक आंख के विशेषज्ञ के पास जाएं, क्योंकि 10 साल का बच्चा पढ़ने लिखने में काफ़ी इन्वॉल्व रहता है और उसको बहुत नज़दीक से और दूर से भी पढ़ना पड़ता है, तो ऐसे में हो सकता है कि बच्चे की नज़र की कोई कमजोरी हो और जो चिकित्सक उसका परीक्षण करके आपको बता सकते हैं। बिल्कुल आंखों से संबंधित आप विशेषज्ञ से मिलें और एक बच्चे का प्रॉपर चेकअप करें तो आपकी प्रॉब्लम का समाधान आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल, तो इस तरह की कोई संभावना हो सकती है, आप बिल्कुल बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे। ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र किया था हमने मोटे अनाज की उपयोगिता का, तो डॉक्टर साक्षी क्या कहना चाहेंगी आप बच्चों के पोषण के लिहाज से, माँ के पोषण के लिहाज से मोटा अनाज कितना अच्छा है, कितना जरूरी है? क्योंकि आजकल का खाना तो हम सभी देख रहे हैं कि बाहर जंक फूड पर ही लोग ज्यादा केंद्रित रहते हैं, क्या कहेंगी इस पे? इसमें बहुत एक विशेष बात है कि हमारा जब पुराना ज़माना था तो हम जो चीज़ें खाते थे, बाजरा है जो है हमारे खान पान में बहुत शामिल था। फिर एक समय आया कि हम अपने आप को बहुत मॉडर्न समझने लगे और ऐसा समझने लगे कि अर्बन सोसाइटी में या हाई जेंट्री में हम सिर्फ गेहूं ही खाएं, गेहूं में भी जितना फाइन हो उसको खाएं और उससे भी ज़्यादा और फाइन फ्लोर ने यानी मैदा ने उसका स्थान ले लिया। फिर मोमोज बने, बर्गर्स बने और पिज़्ज़ा बने और मैगीज आई, तो ये बच्चों के खान पान में बहुत ज्यादा शामिल हो गए। तो जितना फाइन फ्लोर होगा
उसमें आप फाइबर की मात्रा उतनी कम होगी, नंबर एक, और उसका कम होती पौष्टिकता कम होगी और डाइजेशन को भी वो बहुत ज्यादा स्लगिश करता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि फाइबर ही हमारी इंटेस्टाइनल मूवमेंट के लिए और बॉलस बनने के लिए, स्टूल बनने के लिए, जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, जब ये चीजें नहीं होंगी तभी वो डाइट जो है अच्छे से एब्जॉर्ब होगी, और उसमें भी उसके ऊपर उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की मात्रा भी नहीं होती है। बिल्कुल, बहुत जल्दी डॉक्टर साहब वो ब्लड में भी एब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल, तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि एक जमाना ये आ जरूर गया है, मगर हम फिर से समझें कि ये बहुत ही ज्यादा माल न्यूट्रिशन हम खा रहे हैं सब कुछ, और बहुत महंगा पिज्जा खाकर भी अगर हम न्यूट्रिशन ना पाए तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, बड़ी बात है, पैसा ही वेस्ट कर रहे हैं, अपनी सेहत को बिल्कुल भी नहीं सुधार रहे हैं। और इसीलिए फिर से वो मल्टीग्रेन की चीजें आ रही है, अब हम वही बहुत वही जमाना लौट कर आ रहा है, जौ बाजरा रागी इनको मिलाकर मल्टीग्रेन खरीदते हैं जो बहुत कॉस्ट में भी आता है, और अब वो उसके बेनिफिट्स भी सबको समझ आने लगे हैं और लोग इन्हें अपनाने भी लगे हैं। अगर आपने नहीं अपनाया है तो आप भी शुरू कर दीजिए। हम भी बढ़ते हैं आगे, हरियाणा से निहाल जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो, हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मेरा जी आप अपना सवाल तकरीबन 3-4 बार दवाई दिला ले जी। किस चीज की दवाई दिलाई आपने? एक बार ठीक होता है दोबारा फेल हो जाता है जी। शायद हम समझ पा रहे हैं, 7 महीने की इनकी पोती है, उनके गले में दिक्कत रहती है, दवाई दिलवाते हैं लेकिन फिर से ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। डॉक्टर वीरेंद्र आप कुछ अगर पूछना चाहें? निहाल जी अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो शायद आप कह रहे हैं फुंसी हो जाती है, खुजली सी कह रहे हैं। जी फुंसी सी हो जाती है, सिर के अंदर खाज करता रहता है जी। खाज करता जी, रहता जी, है। जी जी जी। तो देखिए ऐसा होता है बरसात के मौसम में, खास करके आजकल बरसात का मौसम चल रहा है और इसमें आर्द्रता बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी जिसे हम कहते हैं वो बढ़ जाती है, और उसमें स्किन के इन्फेक्शन का होना एक आम बात होती है। तो ऐसे में दो चीजें आपको करनी होंगी, एक तो बच्चे को रोज स्नान कराएं आप और उसमें साबुन का इस्तेमाल करें, और बच्चे के हाथ को भी साफ रखें और नाखून को काट के रखें, खास करके इस चीज पे साफ सफाई पे ध्यान रखें आप, हाइजीन की बहुत जरूरत है डॉक्टर। जी हाँ, और उसके साथ में जब फुंसियाँ हो जाती हैं तो उसमें अगर फुंसियों की मात्रा ज्यादा है तो मुंह से एक दवाई खाने की आवश्यकता होती है जो आपको कोई भी चिकित्सक आसपास दे देंगे, प्रिस्क्राइब कर देंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी एक सवाल डॉक्टर साहब ये भी होता है, डॉक्टर साक्षी आपका रुख करना चाहेंगे, अगर हम कुपोषण की बात करें तो आमतौर पे हमारे सामने जो पिक्चर आती है, एक दृश्य आता है कि दुबला पतला सा बच्चा होगा, क्या कुपोषण के और अन्य रूप भी हैं और कितना भयावह है कुपोषण की स्थिति? कुपोषण एक्चुअली अगर हम सोचें, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर क्लिनिक पर डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि ये बहुत पतला है या इसका वेट और बच्चों के कंपैरिजन में कम है, तो अधिकतर पेडियाट्रिशियन हमेशा ये बात करते हैं, पहला सवाल उनका होता है कि आपका बच्चा एक्टिव है या नहीं। तो अगर उसका जवाब हाँ है तो वो नॉर्मल है, क्योंकि कई बार कॉन्स्टिट्यूशन जो है, प्रकृति जो है बॉडी का, वो अलग अलग भी होता है। अगर पेरेंट्स लीन एंड थिन है तो बच्चा भी लीन एंड थिन होगा, तो ऐसा नहीं है हर एक बच्चे का वेट एक ही तरीके से बढ़ता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग 20s तक बहुत लीन एंड थिन रहते हैं और फिर बदलाव आ जाता है, तो ये प्रकृति और या इसको हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है। तो माँ बाप को ये, जो पेरेंट्स हैं उनको ये समझना जरूरी है कि बच्चा बहुत डल, जैसे सर ने भी पहले शुरू में भी कहा था कि बच्चा बहुत अपने कामों में, खेलने में, कूदने में बहुत डल तो नहीं हो गया है, पढ़ने में उसकी कॉग्निटिव जो फंक्शनिंग है, समझने की, सोचने की शक्ति वो कम तो नहीं हो रही है, IQ तो लेवल पहले से कम नहीं हो रहा है, या जितना वो पढ़ के पहले समझ पाता था उतना कम तो उसमें कम तो नहीं हो रहा है। और एनीमिया, अगर बहुत एनीमिया बच्चों को होता है, जब खून की कमी हो जाती है, चाहे वो वॉर्म्स की वजह से हो, माल न्यूट्रिशन की वजह से हो, तो उसमें भी यही होता है कि शारीरिक क्षमता, हर कार्य करने की, खेलने की, पढ़ने की, सारी क्षमताएं बहुत नीचे आ जाती हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रांग पैरामीटर्स हैं, बच्चे की प्रक्रिया को देखना बहुत जरूरी है, बजाय हम सिर्फ वेट को देखें। वेट अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ना अच्छे न्यूट्रिशन की दिशा, जब दुबला बच्चा होता है तो कहते हैं कुपोषण का शिकार जी, है, जब अधिक वजन होता है तो कहते हैं खाता बहुत होगा। तो ये सिर्फ हमारे हम कह सकते हैं कि शारीरिक बनावट ऐसी हो जाती है। बिल्कुल इस संदर्भ में आपसे जानेंगे, लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं हरियाणा से, शौर्यवीर जी, उनका सवाल पहले शामिल कर लेते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैडम ये
अपना सवाल दोहरा दीजिए, आपका सवाल हम स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाए हैं। मैडम बेटा है सूर्यवीर जी, उनकी आंखों में 5 नंबर का चश्मा चढ़ा हुआ है। 5 नंबर का चश्मा चढ़ा हुआ आपके बच्चे की आंखों में जी, उम्र कितनी है उनकी? 20 साल। 20 साल के हैं, 5 नंबर का चश्मा चढ़ा हुआ है। 20 ईयर 20। तो इस पर आप क्या जानना चाहते हैं कि किस तरह से इसमें हम थोड़ी बेहतरी कर सकते हैं? जी वीरेंद्र, डॉक्टर वीरेंद्र क्या जी, कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आपका शायद सवाल ये होगा कि 20 साल का एक बच्चा है और वो 5 नंबर का चश्मा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते क्या कर सकते किस तरह से बेहतरी किया जा सकता है? और आंखों से पानी आने का भी यहाँ पर ये जिक्र कर रहे थे। जी हाँ, तो देखिए अगर किसी ने चश्मा बताया है इस्तेमाल करने के लिए तो जरूर नजर में कमजोरी रही होगी, इसलिए इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। अब इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखना है। एक तो उनका भोजन पर्याप्त होना चाहिए प्रोटीन को लेके और कैलोरीज को लेके। जब प्रोटीन का जब हम कहते हैं तो हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है मेंटेनेंस के लिए। और उसके बाद अगर चश्मे का इस्तेमाल हम रेगुलर वे में नहीं करेंगे, लगातार नहीं करेंगे, तब भी हमारा नंबर बढ़ता जाता है। तो एक मैं समझता हूँ कि उनको आवश्यकता है ये समझने की कि चश्मे का इस्तेमाल लगातार करें और जब भी वो अपने किसी भी काम में सम्मिलित हैं, चाहे पढ़ने का हो चाहे कोई और घर का काम करना हो, तो चश्मे का इस्तेमाल अति आवश्यक है। और इसके बाद अगर आंख की कोई और समस्या है तो उसके लिए नेत्र विशेषज्ञ को एक बार दिखाना जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साक्षी, आपसे एक हमारे दर्शक हैं उनका सवाल पूछना चाहेंगे। आगरा से हैं मोहित जी हैं, उन्होंने जानना चाहा है कि दिन भर ऊर्जा बनाए रखने के लिए संतुलित आहार के अलावा किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना उचित रहता है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप संतुलित आहार कह रहे हैं तो उसमें ही इंक्लूड हो जाती हैं वो चीज़ें जो हमारे स्टेमिना को इंक्रीज करती हैं। तो एक तो दूध बहुत ज़रूरी है, दूध लेना आप, क्योंकि वो कैल्शियम का भी सोर्स है और प्रोटीन का भी सोर्स है। और आप अगर एग्स वगैरह लेते हैं तो वो आप ले सकते हैं। मगर एक चीज़ संतुलित अगर भोजन की हम बात करते हैं तो इसमें 3-4 बड़े अच्छे फैक्टर्स आते हैं जो मैं यहाँ कहना चाहूँगी। एक तो खाने की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइमिंग हमेशा, अगर हम हमारे हर सेल में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, अगर हम खाने का समय बार बार तब्दील करते हैं तो वो एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हमारी बॉडी को देता है और एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है जो हमारी एजिंग को भी बढ़ाता है, जो हमें हेल्दी न रहने के लिए भी प्रेरित करता है। तो एक बहुत जरूरी है कि एक समय पर खाएं हम, इसीलिए हम पहले से एक बनाया है कि जिस समय पर आप खाते हैं। भोजन को बहुत ज्यादा तरीके से भी नहीं बदलना चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट डीरेगुलेशन बोलते हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा, कभी सुबह हमने छोले भटूरे खाए, शाम को पिज्जा खा लिया, बहुत ज्यादा अगर भोजन को बदलते हैं तो वो भी हमें नुकसान करता है। तो जो भी हम भोजन लेते हैं, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन के नाम पर हमें बहुत कुछ आवश्यक होता है, एक सरल भोजन भी न्यूट्रिशन का माध्यम बन सकता है। तो आप दूध है, घी है, जो सरल चीजें हैं, और फलों में जो आपके मौसम और आपको आपके आसपास मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है आप कीवी खाकर या बहुत ही ज्यादा कॉस्टली फ्रूट खाकर ही अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर केला उपलब्ध है जी बिल्कुल, जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध है उनमें सिर्फ आपको समझने की, उनको नियमित मात्रा में रखने की और समय पर खाने की। एक खाते वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका स्टेटस कैसा है। आजकल एक बहुत जरूरी चीज शुरू हो गई है बच्चों से लेकर बड़ों तक कि हम खाना खा रहे हैं सामने टीवी चल रहा है, बच्चा खाना खा रहा है मोबाइल देखकर खा रहा है, अगर वो खाना खा रहा है तो कुछ चल रहा है। तो हमेशा आप समझिए कि गट ब्रेन और ब्रेन दोनों का आपस में सिस्टम जुड़ा हुआ है, जो है आपस में जी बिल्कुल तारतम्यता होनी बहुत जरूरी है। तो आप जो खा रहे हैं उसके लिए आपके ब्रेन को मालूम होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे हमारे पुराने उसमें कहा है कि शुद्ध जगह पर अच्छे से आत्मीयता से सम्मान भोजन करना चाहिए, तो एक बहुत जरूरी चीज है, तभी वो सिक्रीशंस, तभी वो एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं। और आप डॉक्टर साहब ये भी कहना चाह रही हैं कि जो स्थानीय स्तर पे चीजें उपलब्ध हैं जी बिल्कुल, चाहे सदर्न पार्ट हो, दक्षिणी हिस्सा हो या उत्तरी हिस्सा, आप उन चीजों को प्रेफर करें और अपने स्थान के अनुसार खाना ही हमारी बॉडी के अनुरूप है। हम सोचे कि हम राजस्थान में बैठ के केरल की डाइट बहुत समय तक खा पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। कि वो आनुप प्रदेश है, वो जालीय प्रदेश है जहाँ जल बहुत होता है। तो आद्र प्रदेश और शुष्क प्रदेश दोनों की अलग अलग संरचनाएं हैं, तो हमारी बॉडी भी उसी तरह से ऑप्ट करती है। तो बच्चों के संबंध में एक बात बताना चाहूंगा आपको कि देखिए एक चीज हमें समझना होगा कि बच्चे की अवस्था के हिसाब से हमें भोजन और उसकी मात्रा और गुणवत्ता को तय करना चाहिए।
जैसा हमने कहा कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध बहुत पर्याप्त होता है, 6 महीने से 12 महीने के बीच में। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि जैसे हम बड़ों को 3 बार खाना देते हैं, सुबह दोपहर शाम, ब्रेकफास्ट दिया, लंच दिया और डिनर दिया, लेकिन जो बच्चे छोटे होते हैं उनको कम से कम 5 से 6 बार खाना चाहिए होता है जी, क्योंकि उनकी कैपेसिटी एक बार में ज्यादा खाने की नहीं होती है, तो उनको बार बार खाना देना होता है। और उम्र के हिसाब से हमें निर्धारित करना होता है कि हमें क्या देना है। बिल्कुल। तो ज्यादातर ये माना गया है कि आपके घर में जो भी खाना बन रहा है उसी में से आप उसको अच्छे से पका के और हाइजीनिक तरीके से, हाइजीनिक तरीके का मतलब है कि अपने हाथ भी धोएं और बच्चे के हाथ भी धोएं जिस समय हम बच्चे को खाना खिला रहे हैं। तो अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे को जरूर पोषण तत्व मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन तो एक और चीज, माफ कीजिएगा डॉक्टर वीरेंद्र, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, आपसे इस सिलसिले में हम जारी रखेंगे चर्चा को, बच्चों के पोषण के बारे में हमारे दर्शकों को जागरूक करेंगे, बहुत जरूरी है ये जागरूकता, लेकिन अभी एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे फिर आपसे इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, हम जल्द ही लौट रहे हैं और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम स्वस्थ किसान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान, लेकिन प्रकृति पर किसका जोर, कभी बारिश कभी बिजली कभी ओला कभी सूखा तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC कहे साथ तो डर ना फिकर की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम, हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060, 1800-11-3061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि किस तरह से एक शिशु के सेहत को हम बेहतर बनाए रखें और एक माँ के सेहत को हम अच्छा बनाए रखें, किस तरह के पोषण की आवश्यकता है, किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है, इस पर हमारी चर्चा जो है लगातार जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर वीरेंद्र यहां पर जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से हमें बच्चों के पोषण पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में एक बात मेरे जहन में आती है डॉक्टर वीरेंद्र, हमारे देश में अक्सर देखा जाता है जब माँ बाप अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं तो वो ये करते हैं कि किसी भी तरह हमारा बच्चा खाना खा ले, वो चाहे उसके लिए कहानियां सुनाए, कोई खेल खेले, ये चिड़िया का निवाला, ये हाथी का निवाला, ये माँ का निवाला, ये पिता का निवाला, इस तरह की बातों से वो बच्चे को मनाने की कोशिश करते हैं, बस पेट भरना उनका लक्ष्य रहता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो पोषण की आवश्यकता है वो दूर रह जाती है, उसमें कमी रह जाती है, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? जी हाँ, देखिए ये बहुत ही कॉमन सी बात है और हर घर में इस चीज़ को किया जाता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसको एक तरह का मोटिवेशन कह सकते हैं, प्रोत्साहन कह सकते हैं। लेकिन ऐसे में मेरा जो मकसद है ये सवाल पूछने का वही यही है कि माँ बाप का ये हो जाता है कि मकसद ये हो जाता है कि बच्चे का पेट भर जाए, पोषण कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो जाता है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे सभी अभिभावकों को? जी देखिए, ये एक हमारे जो बच्चे को
खाना खिलाने का हमारा एक मानसिक एक तरह का बर्ताव है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अलग होता है और शहरी क्षेत्र में अलग होता है। अगर आप देखें कि जहाँ पे अभी भी जॉइंट फैमिली है, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, और वहाँ पे ऐसा नहीं ऑब्जर्व होता है कि कोई उसके पीछे पीछे घूम रहा है। ये ज़्यादातर इस तरह का बर्ताव जो हम देखते हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में देखते हैं, शहरों में देखते हैं। तो वहाँ पे एक बच्चा होता है और माता पिता दोनों चिंतित होते हैं, तो वो इसमें लालच में रहते हैं कि किसी भी तरह से हमारे बच्चे को भोजन मिलता रहे। लेकिन ये आवश्यक नहीं है। हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि क्या हम समय समय पर बच्चे को खाना खिला रहे हैं और कितनी मात्रा में खिला रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी चर्चा में बताया था कि अगर बच्चा 6 महीने से 12 महीने के बीच में है तो उस बच्चे को माँ का दूध पिलाना जारी रखना चाहिए और साथ में कम से कम 3 से 5 बार एडिशनल खाना देना चाहिए उसको। बिल्कुल। और जो चीज आपके घर में उपलब्ध है उसी को आप बना के दीजिए। हाँ, ध्यान रखें कि जो हम बड़े मिर्चे ज्यादा खाते हैं या मसाले ज्यादा खाते हैं उससे थोड़ा परहेज रखें। अदरवाइज हमारे घर में जो भी खाना उपलब्ध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छा है, और उसको जरूर दें। बिल्कुल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें बच्चे को, यही डॉक्टर साहब आप कहना चाह रहे हैं। इस बीच हमारे एक व्यूअर जुड़ गए हैं, दर्शक जुड़ गए, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हरियाणा से। हेलो। हाँ, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। रामपाल जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। वो मिट्टी खा भाई जी, मेरा पोता बहुत। जी जी, बच्चे की उम्र बता सकते हैं? 3 साल है लगभग जी। 3 वर्ष का है, ठीक है। सवाल आपने पूछिए। मिट्टी खाता है? तो बहुत खाने का जी, क्या अच्छा। कहेंगे जी, देखिए 3 साल की उम्र में बच्चे का मिट्टी खाना एक उसके व्यवहार को दर्शाता है कि हो सकता है उसके शरीर में कुछ सूक्ष्म तत्वों की कमी हो। तो जैसा हमने पहले भी बताया था कि हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के साथ साथ हमें कुछ विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है जिनको हम सूक्ष्म पोषण तत्व कहते हैं। तो ऐसे में अगर बच्चे के शरीर में जिंक, आयरन और कैल्शियम की अगर कमी है तो इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। अब इसके लिए हमें उपचार के लिए 2 काम करने, एक तो बच्चे की हमें उसकी लंबाई, उसका वजन नापना होगा और साथ में उसकी खून की मात्रा देखनी होगी कि बच्चे को खून की कमी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें खून बढ़ाने की दवाई देनी होगी। और साथ में जब बच्चा मिट्टी खाने लगता है तो उसके शरीर में कीड़ों की होने की भी एक संभावना होती है, तो बच्चे को एक कीड़े की दवाई देने की ज़रूरत है, आयरन, जिंक और कैल्शियम की दवाई देने की ज़रूरत है, और साथ में ज़रूरत है उस बच्चे के पोषण को सुधारने की, जिसमें हमें ठोस पदार्थों का, ठोस खाने का हमें मात्रा बढ़ाना होगा। और अगर आप अंडा या मांसाहारी फूड खाते हैं तो उसको भी आप सेवन में ला सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं खाते हैं तो उसके बदले में आपको दूध, दही या इनसे बनी हुई चीज़ें आपको इस्तेमाल में लानी होंगी। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चे का पोषण जैसे ही सुधार में आएगा ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर ये तमाम डॉक्टर साहब के बताए हुए उपायों का पालन करेंगे तो बच्चे की मिट्टी खाने की जो समस्या है उसका निवारण हो जाएगा। डॉक्टर साक्षी, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। बठिंडा पंजाब से मंजीत जी हैं, उनके 1.5 साल के बेटे को कब्ज और मल में खून आने की समस्या रहती है जिसके कारण बच्चा काफी चिड़चिड़ा और परेशान रहता है। इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे मंजीत जी को? इसमें 2 बातें हैं, क्योंकि 1.5 साल का बच्चा है और कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो हमें पहले डाइट को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि उसकी डाइट में या तो फाइबर बिल्कुल नहीं जा रहा है, और दूध भी अगर जा रहा है तो बहुत हाईली फैटी दूध तो हम उसको नहीं दे रहे हैं, ऐसा देखना ज़रूरी है। तो इसमें एक तो गाय का दूध अगर ये ऑप्ट करते हैं तो एक बहुत अच्छा इसमें समस्या से इसको छुटकारा मिल सकता है। और दूसरा, ऐसे में जिन बच्चों को जाता है तो क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है तो हम लोग अपने प्रैक्टिस में बहुत ऐसा नहीं कहते कि उसको मेडिसिन पे डालना बहुत जरूरी है। शाम के, रात के दूध में अगर हम थोड़ा घी का प्रयोग करते हैं तो ये एक समस्या है जो बहुत जल्दी इससे ठीक हो जाती है। एक छोटा चम्मच देसी घी हम दूध में डालें। एक मुनक्का होता है, मुनक्का या किशमिश है, ये भी एक नेचुरल एक चीज है जिसको देकर उसके दूध में 4 मुनक्के या 3 मुनक्के उबाल देते हैं तो वो बहुत जल्दी इससे समस्या से ठीक हो जाते हैं। अगर अंजीर दिया जा सकता है आपके घर में उपलब्ध
उपलब्ध है और आप ले सकते हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज है। और इसमें कैस्टर ऑयल का भी प्रयोग किया जाता है। कैस्टर ऑयल एक ऐसी चीज है जो बच्चों को बहुत आराम से कुछ बूंदों की मात्रा किसी चिकित्सक के परामर्श के अनुसार आप दूध में डाल के ले सकते हैं। ना तो उसकी आदत पड़ती है, ना ही वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है। और खून की समस्या भी इसीलिए है क्योंकि उसका बच्चे का रेक्टम बहुत सॉफ्ट होता है और स्टूल बहुत हार्ड है, इसी कारण उसको ब्लड कभी कभी आता है और स्टूल में लगा हुआ भी आता होगा और अलग से भी कई बार आने लगता है। तो इसको कॉन्स्टिपेशन को दो बातों से, एक तो कॉन्स्टिपेशन में स्टूल को हमें सॉफ्ट बनाने के लिए चिकित्सक के परामर्श के अनुसार लें, और दूसरा उसकी डाइट में जरूर जल्दी से जल्दी सुधार करें। बिल्कुल, तो देखिए आपको क्या करना है। मंजीत जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसके साथ बता दें आपको, गुजरात से प्रियंका जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मैम, हमारा बच्चा 1.5 साल का है, वो 3 महीने से लैट्रिन कर रहा है, दिन भर में कभी कभी 4 बार, कभी 5 बार। जी, और कब से हो रही है ये समस्या? मैम, हमारा ये सवाल है कि हमारा बच्चा 1.5 साल का है जी, और दिन भर में कभी कभी 4 बार, कभी 5 बार। डॉक्टर वीरेंद्र, ये 3 महीने से हो रहा है मैम जी। कभी बच्चे का वजन या लंबाई नापी है? हाँ, मेरा बच्चे का इस समय क्या कहते हैं कि वजन 8 किलो है। 3 साल का बच्चा है? नहीं नहीं, 3 साल का नहीं सर, 1.5 साल का बच्चा है। जी देखिए, तो 1.5 साल के बच्चे के लिए 8 किलो वजन काफी कम है, तो ये मान के हमें चलना पड़ेगा कि जो बच्चे को बार बार ये जो स्टूल और दस्त की समस्या आ रही है, ये कोई मामूली समस्या नहीं है और हमें इसके लिए कुछ जांच और परीक्षण करने की आवश्यकता है। कि अगर बच्चे का वजन नॉर्मल होता, उसकी लंबाई नॉर्मल होती है, तो हम उसको हाइजीन इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं, और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो 5 से 7 दिन के लिए देना होता है, और ख़ास करके दवाई होती है जिसको जिंक कहते हैं, वो देने से काम हो जाता है। लेकिन इस बच्चे का चूंकि वजन, वैसे आमतौर पर 1.5 साल के बच्चे का वजन कितना जी होना जी हाँ, देखिए 10 किलो से ऊपर होना चाहिए था, 10 किलो से 12 किलो के बीच में हम ये मान के चलते हैं कि इस उम्र में वजन होता है, तो वजन काफी कम है, 8 किलो वजन काफी कम है। तो इस स्टेज में हमें एक चिकित्सक को दिखा के पहले परीक्षण करना पड़ेगा, उसका जिगर तो नहीं बढ़ा है, उसके शरीर में कोई और आंतों में कोई सूजन की संभावना तो नहीं है, या बच्चे को किसी चीज की एलर्जी तो नहीं है। एक बार ऐसा भी होता है कि गेहूं से एलर्जी हो जाती है, जिसे हम सीलिएक डिजीज कहते हैं, और वो आज की तारीख में बहुत कॉमन होती मात्रा में बढ़ रही है सीलिएक डिजीज। जी हाँ, तो उसको जब तक बच्चे को हम जांच नहीं करेंगे, परीक्षण नहीं करेंगे, वो पता नहीं लगता है। तो वो आप जरूर उस बच्चे का एक बार परीक्षण कराएं, और उसके अनुसार जो दवाइयाँ दी जाएंगी वो बच्चे की ग्रोथ में और उसके मानसिक और शारीरिक विकास में मदद करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सीलिएक डिजीज में के तो गेहूं को हटाना एक उपाय रह जाता है, जैसे आप एक्सपर्ट्स बताते हैं। डॉक्टर शिखा, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, अक्सर जब बच्चा बीमार पड़ता है तो उसका भोजन की मात्रा कम कर दी जाती है माँ बाप द्वारा, कि वो जल्दी ठीक हो जाए, और ऐसा ना हो कि वो भोजन देने की वजह से वो बीमार ज़्यादा और बीमार फर आगे ना हो जाए। तो इस बारे में आप क्या ये भोजन को सीमित कर देना या कम कर देना, इससे भी कुपोषण को बढ़ावा मिलता है? नहीं, इसके दो फैक्टर्स हैं। अगर हम जैसे डायरिया हो गया है, तो डायरिया बच्चों में बताया जाता है कि अगर डायरिया हो गया है तो आप बिल्कुल उसका खानपान ना रोकें, खासतौर से लिक्विड चीज़ें देते रहें। टीवी पर भी दिखाया जाता है, उसको दाल का पानी देते रहें, नारियल का पानी देते रहें, अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसको कंटिन्यू रखें। तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि उसको इनपुट्स जाते रहें, क्योंकि ऐसा ना हो वो डिहाइड्रेशन में चला जाए। मगर कहीं कोई बीमारी ऐसी है, जैसे 4 या 5 साल का बच्चा है और फीवर होता है सडन, तब उसको उतने अमाउंट में खाना देना वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि उस वक्त उसका अग्नि मानदेय यानी उसका डाइजेस्टिव पावर पहले ही डिक्रीज हो चुकी होती है, और अभी बॉडी मतलब फाइट कर रही है इनिशियल इन्फेक्शन जो हुआ है उससे। तो उस समय पर बच्चा लेता भी नहीं है, और जबरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए। अगर बच्चे को भूखे हाई फीवर में कहते हैं, बॉडी को बहुत एनर्जी चाहिए, वहां भी हमें कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, लिक्विड्स हैं, ग्लूकोज का पानी है, नारियल का पानी है, अगर इस तरह का फीवर है वहां ध्यान रखना चाहिए। और बहुत छोटे फेज से मालन्यूट्रिशन नहीं होता है कि बच्चा 4-5 दिन बुखार
हुआ या हुआ है तो एकदम से मॉलन्यूट्रिशन में चला जाएगा, ऐसा नहीं. इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस. जब लगातार पोषक तत्वों की कमी होती है मॉलन्यूट्रिशन तभी होता है. एकदम से भोजन का बंद नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. उसका टाइप बदल देना चाहिए, उसको लाइट कर सकते हैं. जैसे आप बहुत खाना ना खिला के उसको हल्का खिचड़ी बना दिया, उसको दलिया बना दिया, तो बिल्कुल बंद नहीं करना, क्योंकि हमें डिजीज से भी फाइट करना है, उसके लिए भी जरूरी है, और ऐसा नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. तो पिज्जा बर्गर से थोड़ा सा ध्यान हटा करके थोड़ा सा हल्का खाना यहाँ पर देना सही रहता है. अंतिम पड़ाव पे हमारा कार्यक्रम, 10-10 सेकंड की आप दोनों से ही मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी. डॉक्टर साक्षी, क्या कहेंगे आप यहाँ पर बच्चों की सेहत के लिए, माँ की सेहत के लिए? 10 सेकंड का समय है मेरे पास. दोनों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने जो खाने की क्वांटिटी, क्वालिटी, प्रोसेसिंग, बना कैसे रहे हैं और किस अवस्था में खा रहे हैं, ये मेरा एक अंतिम संदेश जरूर है. क्योंकि आपका मानसिक रूप से भी खाने के प्रति वो होना बहुत जरूरी है, और आपका एटमोसफियर कैसा है, साफ सुथरा हो, हाइजीन हो. और आपके खाने में ऐसा भी कहा है कि ऐसा नहीं कि बहुत पेट भरकर खाइए, पोषक तत्व खाइए और डाइजेशन के हिसाब से खाइए, और आपकी एक्टिविटी उसे, तीन पैरेलल चीजें, डाइट, आपकी डाइजेस्टिव पावर और आपकी एक्टिविटी, तीनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल होना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. बिल्कुल डॉक्टर वीरेंद्र, आपसे भी 10 सेकंड के यहाँ पर टिप लेना चाहेंगे. जी हाँ, देखिए हमारा बच्चों में कुपोषण का बहुत एक गंभीर मुद्दा है, तो अगर हमें इससे बचना है तो हमें, जब एक माता गर्भवती होती है उस समय उसके भोजन का बहुत ध्यान रखना चाहिए. फिर बच्चे के जन्म के बाद बच्चे के साथ साथ माँ का भोजन भी एक बहुत ही संतुलित होना चाहिए, और उसको करीब करीब 900 कैलोरी एक्स्ट्रा लेनी चाहिए, क्योंकि ये माता बच्चे को दूध पिला रही है. और साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है. 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ हमें ठोस आहार को सम्मिलित करना है बच्चे के भोजन. तो देखिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी सेहत को बेहतर बनाइए, अपने बच्चे की सेहत को बेहतर बनाइए यहाँ पर. और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं, आप यहाँ पर जुड़े, इतनी अहम जानकारियां साझा की, और मेरे सहयोगी आदित्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद. कार्यक्रम में हम शामिल हुए हैं, इतनी अहम जागरूकता हमने सभी दर्शकों तक पहुंचाई है. और साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि पोषण के मायने केवल माताओं की सुरक्षा नहीं है बल्कि शिशुओं की भी सुरक्षा है. आपके हमारे पास बहुत सारे मेल्स भी आए हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं. बता दें आपको कि पटना से संजय कुमार ने पूछा है कि उन्हें लंबे अरसे से माइग्रेन की समस्या है, क्या इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है. वहीं फिरोजपुर से भी एक मेल आई है, बता दें जंगपाल सिंह ने यह लिखा है कि मुझे पूरे शरीर में 5 साल से दर्द रहता है, पहले मैं एक्सीडेंट में घायल हो गया था, कई जगह इलाज कराया लेकिन फायदा नहीं हो रहा है. हम बहुत जल्द ही विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को रखेंगे, समाधान लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी. आप लगातार हमें लिखते रहें, इसके लिए पता नोट कर लीजिए हमारा. हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 1104. साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. ईमेल आईडी है हमारी swasthkisan@gmail.com. इस पर आप ईमेल करके अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकते हैं. तो इसी के साथ बता दें आपको आज के लिए इतना ही. अगले सप्ताह होगी आपसे मुलाकात. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए और दूरदर्शन किसान देखते रहिए. नमस्कार.